हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड ऑल ऑफ यू। आज मैं डेट टाइम को लेकर आया हूँ, डेट टाइम फार्मूला एक्सेल का। तो इसमें हम पूरा पूरा डेट टाइम को कवर कर लेंगे। यहाँ पे फार्मूला बटन दिख रहा है, मैं यहाँ से कोशिश करूँगा कि मैं पूरा पूरा कवर कर दूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, तो आप पूरा पूरा वीडियो देखें अगर आपको ऑफिस वर्क सीखना है तो। इससे पहले मैंने पूरा मेन्यू को कवर किया है, होम मेन्यू, इंसर्ट, पेज लेआउट को, और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हैं मैं उनको भी डिस्कस किया हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर जाकर के ये सब वीडियो आप देखें जरूर। जैसे कैश रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर है, बजट है, ये सब मैंने बताया है। तो आप ज़रूर से ज़रूर जाएं और देखें, बेनिफिट होगा ज़रूर। ओके, मैं दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है डेट एंड टाइम। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, ब्लॉक को सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ व्यू ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से हम करते हैं सेलेक्ट टू जूम। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा स्क्रीन और थोड़ा और बड़ा। अब मैं इसको दिखाऊंगा तो आपको वो चीज़ समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हमने प्रेस किया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले डेट। ओके, डेट लिखने के बाद मैं लिखता हूँ डेज और यहाँ लिखता हूँ मंथ और ये यहाँ पर लिखता हूँ ईयर। ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ वो मैं समझाता हूँ। यहाँ देखो, डेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लो आज का डेट है, आज का अगर फिजिकल टू करना है, लिखना टुडे, टुडे से आज का फॉर्मूला आता है ओपन क्लोज इंटर। देखो आज है 24/11/2018, तो यहाँ पे मैं डे निकालना है, फिजिकल टू करना है। देखो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, डे ब्रैकेट, इस पर क्लिक किया तो 24 तारीख है, तो यहाँ पर 24 तारीख बाहर आ जाएगा। तो आपने दो फार्मूला देख लिया, पहला था टुडे फार्मूला, दूसरा है डे फार्मूला, तीसरा है मंथ करेंगे। जब भी आप फॉर्मूला लिखिएगा तो यहाँ नीचे दिखता रहेगा, आप टैप करके ले सकते हो। ठीक है, हमेशा क्या लिखना, टैप बटन करके, जब फॉर्मूला नीचे दिख जाए टैप बटन प्रेस कर दो, फॉर्मूला आ जाएगा। इस पर क्लिक करो, ये देखो आ गया इंटर करके 11। और यहाँ पर ईयर की बात हो रही है, इक्वल टू करो, लिखो ईयर ब्रैकेट, सॉरी यहाँ क्लिक किया, इक्वल टू ईयर। ओके, यहाँ पर इसका एड्रेस लेना होगा, इंटर किया, ये आ जाएगा। देखो इसका बेसिकली यूज़ कहाँ करते हैं वो मैं बता देता हूँ। जब हम कोई बिल वगैरह मंगाते हैं ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है क्योंकि कंप्यूटर का जो डेट फॉर्मेट होता है कभी कभी चेंज हो जाता है। DDMM इस फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मेट ये होता है DDMM और YY। किसी के सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि फिलहाल मेरे सिस्टम में कैसा है फॉर्मेट दिख रहा है आपको, MM दिख रहा है, DD दिख रहा है, YY। इस केस में एक प्रॉब्लम हो जाता है, अगर हमने कोई स्लिप बना लिया, तो कोई टैक्स इनवाइस का स्लिप आस्क डेट में, जैसे 1 फरवरी 2018, तो नेक्स्ट ईयर में जब आप काम करो तो हो सकता है वो चेंज जाए। ठीक है, डेट हो सकता है उल्टा हो सकता है, एक उसको 2 जनवरी कर देगा, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम इसको जब भी टैक्स इनवाइस पर काम करते हैं तो इसका जो बिल होगा ना ऐसे बना कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा पूरा बंदे को पूरा क्लियर हो जाता है कि ये 24 तारीख डेट है और मंथ ये है, ईयर ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जाना चार फॉर्मूले। अब मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट फार्मूला जिसका नाम है नाउ। नाउ से क्या आता है, ओपन क्लोज इंटर, इससे डेट और टाइम दोनों आता है। तो अभी फिलहाल 6:12 हो रहा है सुबह का, तो यहाँ पर हम अब बताते हैं कि हावर्स कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग टाइम और नेक्स्ट में लिखता हूँ मैं हावर, इस पर लिख दिया मैंने मिनट, इसके बाद सेकेंड, नेक्स्ट में लिख दिया मैंने टाइम। इसके बाद देखो यहाँ पे करना क्या है, इक्वल टू करो, लिखो हावर्स। जैसे आप लिखोगे यहाँ पे ना नीचे दिख जाएगा, टैप करो और इसमें से क्लिक करके इंटर करो, आपको निकल जाएगा ये पूरा पूरा कि 6 बज रहा है, ये नीचे 6 घंटे हो चुके। वैसे भी अब लिखो मिनट, जैसे आप मिनट लिखोगे ना तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखेंगी आपको, टैप करो ब्रैकेट, इस पर क्लिक किया तो 13 मिनट निकलना चाहिए, तो यहाँ निकल जाएगा 13 मिनट। और सेकेंड की बात हो रही थी, यहाँ लिखो सेकेंड, टैप ब्रैकेट और यहाँ पर क्लिक किया, जो सेकेंड होगा वो निकल के आ जाएगा 3 सेकेंड। अभी यहाँ पर टाइम निकालने की बात हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे टाइम, इक्वल टू किया हमने लिखा टाइम ब्रैकेट।
देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हावर्स, मिनट और सेकेंड। तो हावर्स कौन सा है ये देखते हैं, ये हावर्स है कॉमा। डेट एंड टाइम फार्मूले के फार्मूले में हम जब भी हम काम करेंगे कॉमा का इस्तेमाल ही करेंगे। क्लिक किया और इसको भी हम ले लेंगे और ब्रैकेट किया इंटर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6:14 AM हो रहा है। तो इस तरीके से आपने जाना 8 फार्मूले डेट एंड टाइम के। अब मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट फार्मूला, मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करूँ एक बार, मैं फार्मूला बनाता हूँ समझने के लिए। इसको सेलेक्ट किया, इसको ब्लैंक कर दिया, इसको ब्लैंक कर दिया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट फार्मूला, ये फार्मूला का नाम है डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन टू डिग्रीज। अगर दो दिन के बीच में हमें डिफरेंस जानना है तो हम क्या करते हैं, इसका बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे मैं कुछ डे लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ डेट, डेट लिखा ब्रैकेट। अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखो इसका फॉर्मेट हमारा क्या है, पहले मंथ है फिर डेज ईयर है। यहाँ पे देखो तरीका है हमारे पास, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे डेट लिखो ईयर लिख दो, मान लो 2018 कॉमा। मंथ की बात हो रही है तो मंथ आप अभी अगस्त सॉरी नवंबर चल रहा है तो हम अक्टूबर दे सकते हैं, यहाँ पे 10 लिख दिया मैंने कॉमा, और आज 26 है तो यहाँ पे 26 तारीख लिख दो, आपको मालूम चल जाएगा। इंटर किया, सॉरी 24 तारीख है। अब देखो यहाँ पर आज का डेट लेने के लिए आप कंट्रोल के साथ कोलन का सिंबल यूज़ कर सकते हो, तो जो एल के राइट साइड में है, या लिख दो यहाँ पे इज इक्वल टू टुडे। इंटर, आपको दो डेट दिख गया। अब इज इक्वल टू करो जो बड़ा डेट है यानी जो प्रेजेंट डेट है उसमें से प्रीवियस डेट को माइनस कर लो तो आपको मालूम चल जाएगा कि टोटल 29 दिन हुए हैं। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो दो दिन के बीच में गैपिंग। नेक्स्ट है फॉर्मूला, देखो अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट फॉर्मूला बताता हूँ कैसे क्या करते हैं। ऐड एक्स्ट्रा डेज, अगर हमें कोई डेज को एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो मैं देता हूँ मैं फॉर्मूला यहाँ पर ऐड, ओके सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला का है नाम, किसी डेट में हम दो महीने को प्लस करना हो तो वो करेंगे हम, ठीक है। इसका फॉर्मूला सही है, ऐड मंथ ऑफ एनी डेट, जैसे कोई प्रोजेक्ट आपको मिल गया आपका आज है 24/11/2018 तो आप जानना चाहते हो कि प्रोजेक्ट मिला आपको, मैं इसको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे करना क्या है, हमें ऐड मंथ डेट, आपने एडमिशन करा लिया और यहाँ पे कहते हैं कि आपका एडमिशन है 6 महीने का, तो आप जानना चाहते हो कि 6 महीने बाद कौन सा महीना आएगा एग्जैक्ट, या 24 महीने का कोर्स है या ऐसा कोई भी टाइम है कुछ सा ड्यूरेशन, या 2 महीने बाद कौन सा मंथ आता है, आप देना चाहो इज टू लिखो, इज इक्वल टू एक फार्मूला यहाँ पर हम लिखेंगे ई डेट, यहाँ दिख रहा है आप ब्रैकेट ऐड करिए और यहाँ पर फर्स्ट वाला लीजिए कॉमा एंड सेकेंड, क्लोज करके यहाँ पर एंटर करो। यहाँ पे ऐसा वैल्यू क्यों दिख रहा है तो वो चीज़ समझो, डेट एक्चुअली सही आ रहा है, पूरा वैल्यू कैलकुलेट करके आता है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे, डेट सेट करेंगे तो आप देख सकते हो कि 2 महीने बाद कौन सा आएगा, अगर 11 से हो रहा है ना 12/1 दिसंबर आएगा, अगर प्लस 1 किया जाए और 1 जनवरी यानी 24 January 2019 आएगा एड मंथ से। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, अब बात करते हैं हम ऐड डेज, ऐड डेट, किसी फार्मूले में हम डेट कैसे ऐड करेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक डेट ले लेते हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारे पास डेट है कोई एडमिशन का डेट, आप चाहते हो कि ये 90 दिन का कोर्स है, और कोई अगर कोचिंग संस्था कराती है 90 दिन का कोर्स तो आप जानना चाहोगे ना कि कितना दिन हुआ,
कौन सा मंथ पड़ेगा इज इक्वल टू करो, और आप करना क्या है बहुत ही आसान है, इसको क्लिक करो और प्लस इसको करो इंटर करो, वो आपको दिख जाएगा कि 2019 यानी 22 फरवरी 2019 को कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने जान लिया। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास एज फार्मूला, इसे कहते हैं। मैं एज फार्मूला निकालना बता दूँ, बहुत ही आसान है एज फार्मूला। हम यहाँ पे लिखेंगे फाइंड एज, तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे, लिखेंगे डेट और ब्रैकेट, और मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1994, कॉमा दिया, और मंथ की बात हो रही है तो आपने दे दिया 07 कॉमा, और डेट की बात हो रही है तो आपने लिख दिया 20, इंटर किया। आपको ये पूरा फॉर्मेट दिख जाएगा। अभी हम लिखो इज इक्वल टू आई एन टी और ब्रैकेट, सॉरी ये मैं बता रहा हूँ कोई अदर फार्मूला है, ठीक है, फिर भी इसको सीख लो, डेट का फार्मूला नहीं है ये, फिर भी आप इधर सीख सकते हो। आपने डबल कोटेड किया, अब लिखो आप टुडे, ओपन क्लोज, और यहाँ पे माइनस इस वाले डेट को, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय 365 एंड इधर। अब ये रॉन्ग क्यों आया वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ लिखो, मैंने लिखा है टूडा, यहाँ पे मुझे ये लिखना पड़ेगा पूरा ना, अभी आ गया। ये बता रहा है कि एग्जैक्ट 24 साल हो चुका। इस तरीके से बहुत आसानी से आप जान पाओगे इज इक्वल टू आई एन टी इंटीजर वैल्यू और डबल ब्रैकेट ओपन टूडे ओपन क्लोज माइनस आपका जो डेट होगा उसको और क्लोज ब्रैकेट डिवाइड बाई 365। तो इस तरीके से हो जाएगा इज। इसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे। नेक्स्ट फार्मूला में हम बात करेंगे यू मंथ, इसे कहते हैं हम लोग, कि आप जान सकते हो कि इस मंथ का आखिरी डेट कौन सा है। तो वो यहाँ पर बताता हूँ, फाइन यहाँ मेरे पास हेडिंग है फाइन मंथ लास्ट डेट, यहाँ पे हमें जाना है, और मान लो यहाँ पर आपने लिख दिया आज का डेट, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मानना ही पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मानने जा रहा है। इसी गलती करो, लिखो ईओ मंथ, ईओ मंथ, और यहाँ पर आप टाइप करो इसका एड्रेस कॉमा ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो और ट्रू फॉल्स के लिए होता है, हम ज़ीरो का इस्तेमाल करेंगे, एंटर करेंगे। अभी इसको मैं इस फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा, होम पे जाएंगे, होम मेनू पे यहाँ पे लिखा होगा डेट, आपको ये मालूम चल जाएगा कि जो मंथ का डेट है यानी नवंबर मंथ है 30 दिन का, ठीक है, तो बहुत आसानी से इसको जान सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हम देखेंगे ईयर फ्रैक्शन निकालना। देखो ईयर फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाता है। ईयर फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ आम ऑथर्स का डिफिनेशन समझ लो। ईयर फ्रैक्शन फार्मूला हम यूज़ किसी प्रोजेक्ट के पीरियड अमाउंट को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं, जैसे कि कोई एक टारगेट है, एक प्रोजेक्ट है 2 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, 12 महीने का, 2-3 लोग के बीच काम हो रहा है, या एक कंपनी एक कोई बंदा है उसके भी डील हुआ है, प्रोजेक्ट के तहत काम हो रहा है और 1 साल का टेंडर है, क्योंकि इसका नाम है ईयर फ्रैक्शन निकालना, और बीच में वो बंदा है जो बोलता है कंपनी से रिलेशन तोड़ना चाहता है, 1-12 महीने के बीच में 6-7 महीने काम किया और वापस हटना चाहता है, तो उसका अमाउंट कितना आएगा उस चीज़ को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे बनता है, मैं बताता हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे ईयर फ्रैक्शन फाइंड प्रोजेक्ट अमाउंट, या इसको कहते हैं हम ईयर फ्रैक्शन, इसमें मैं करना क्या होगा, कुछ बेसिक रूल होगा हमारे पास, मैंने लिखा स्टार्टिंग डेट और यहाँ लिखेंगे एंडिंग डेट, हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट प्रोजेक्ट, इसको सेट कर लेंगे हम, अमाउंट प्रोजेक्ट लिखने के बाद लिख दो यहाँ पे वर्क,
इनका पेड इतना आपको करना पड़ेगा, इसको सेट कर ले, इसको भी हम सेट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे इसको भी हम सेट करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा सब कुछ, देखो यहाँ पे डेट है, मान लो इस महीने इस ईयर का पहला डेट आपने दे दिया 1 जनवरी, आपको ऐसे लिख सकते हो डेट DAT ब्रैकेट लिखो 2018 कॉमा, मंथ की बात हो रही है 01, और यहाँ पर आपने दे दिया डे यानी कौन सा, एक जनवरी की बात हो रही है, इंटर करो। और एंडिंग डेट मान लो आज का डेट दे दो, यहाँ पर दे दिया आपने एंडिंग डेट कि इतना दिन तक अच्छे से काम चला और बीच में डिस्प्यूट हुआ दोनों पार्टी के बीच में, और अब प्रोजेक्ट की बात होती है। मान लो ये प्रोजेक्ट का टेंडर था 5 लाख का, तो 5 लाख हम कर देते हैं, और इसके बाद ये पे वर्क की बात हो रही है ना, तो वर्क निकालने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप कैसे निकालोगे, लिखो इज इक्वल टू और यहाँ टाइप करो ईयर फ्रैक्शन, और ईयर फ्रैक्शन लिखने के बाद यहाँ पर एक काम करना, पहले डेट पे क्लिक करो, इसके बाद कॉमा सेकेंड डेट ब्रैकेट क्लोज इंटर। अभी आपको कुछ अजीब टाइप दिख रहा होगा वैल्यू, तो यहाँ पे काम करना, वर्क की बात हो रही तो यहाँ पे परसेंटेज इसको कन्वर्ट करेंगे, तो आपको दिख जाएगा कि 89.72% कंप्लीट हुआ है। अब हम बात करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग पैसा कितना मिलेगा, वो चीज़ हम जान लेते हैं। तो हम इज इक्वल टू करेंगे और जो वर्क वाला अमाउंट है डी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोजेक्ट से, एंटर करेंगे, आपको दिख जाएगा कि ये टोटल यानी 5 लाख की बात हो रही थी, तो ये टोटल 4,48,611 रुपये प्रोजेक्ट का टोटल अमाउंट आया। अब 2 लोग के बीच काम हो रहा था, 3 लोग के बीच काम हो रहा था, जितनी पार्टियों के बीच काम हो रहा था, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। 2 लोग की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या करोगे, इसको क्लिक करोगे डिवाइड बाई 2, एंटर किया तो आपको ये मालूम चल जाएगा 2,24,305 रुपये उस पार्टी को दे दिया जाएगा, ठीक है। और क्योंकि 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना था, तो इसको अब अमाउंट को पे कर पाओगे। तो इस तरीके से बहुत ईजिली आप जान पाओगे कि क्या होता है फाइन, आपने ये भी जान भी लिया कि कैसे यूज़ करते हैं ईयर फ्रैक्शन का, ठीक है। अगर इसमें कुछ कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरा पूरा सही रहे। इसके बाद एक दो फॉर्मूला हम और देख लेते हैं। चलो इस वीडियो में फिलहाल इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के साथ, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।